फिल्म संगीत के अधिकांश श्रोताओं के लिए गायिका सुधा मल्होत्रा का नाम अनजाना सा लगता है, लेकिन फिल्म की कव्वालियों में जिनकी गहरी दिलचस्पी है वे सुधा मल्होत्रा के निश्चित तौर पर प्रशंसक हैं। सलामी हसरत कबूल करो। ग्रामोफोन कंपनियों की ऑडियो डीवीडीज में सुधा आज भी मौजूद हैं। याद कीजिए फिल्म बरसात की रात की ये कव्वाली निगाहें, नाज के मारों का हाल क्या होगा। इसे मशहूर कव्वाल शंकर शंभू के साथ सुधा ने गाया था और साथ में आशा भोसले भी थी। इसी फिल्म में ना तो कारवां की तलाश है ना हम सफर की तलाश है, ये इश्क इश्क है इश्क इश्क में संगीतकार रोशन ने अपने म्यूजिक का इतना खूबसूरती से उपयोग किया है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी ये कव्वालियां सुनी जाती हैं। यही वजह है कि गायिका सुधा मल्होत्रा और संगीतकार रोशन आज भी साथ साथ याद किए जाते हैं। 30 नवंबर 1936 को जन्मी सुधा मल्होत्रा 6 साल की उम्र में पहली बार स्टेज पर प्रस्तुत हुई थी। बचपन में सुधा के गीत संगीत में दिलचस्पी देख माता पिता ने उसे प्रोत्साहित किया। वे घर पर नूर जहां तथा कानन बाला के गीतों को हूबहू गाकर सुना देती थी। उन्हें शास्त्रीय गायन सिखाने के लिए एक ट्यूटर रखा गया। धीरे धीरे वे ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में अपनी गायकी का हुनर प्रस्तुत करने लगी। संगीतकार गुलाम हैदर ने सुधा की आवाज़ को पसंद किया था। वे उसे मौका देते इससे पहले ही भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया। गुलाम हैदर पाकिस्तान चले गए। सुधा को आगे बढ़ाने के लिए संगीतकार अनिल बिस्वास आगे आए। उन्होंने फिल्म आरजू में उन्हें अवसर दिया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी। कभी कभी व्यक्ति के जीवन के आंगन में बारिश की तरह अवसरों की बरसात होती है। सुधा के साथ भी ऐसा ही हुआ। अनिल बिस्वास के बहनोई मशहूर बांसुरी वादक पन्नालाल घोष ने सुधा को फिल्म आंदोलन में गाने का निमंत्रण दिया। उन्होंने वंदे मातरम गीत गाया। सहायक थे मन्ना डे और पारुल घोष। 50 के दशक में सुधा ने लगातार दर्जनों फिल्मों में दर्जनों गाने गाए। उस दौर के तमाम संगीतकारों ने उनकी क्लासिक बेस आवाज के कारण उन्हें मौके भी खूब दिए। सुधा की गायकी के दो विशेषताओं का उल्लेख करना जरूरी है। पहली है उच्चारण की स्पष्टता, दूसरी शास्त्रीय प्रशिक्षण मिलने से आवाज में मधुरता। उस दौर में तमाम गाने हिट हुए थे। उनमें शामिल है कहूं मन की बात, तुम मुझे भूल जाओ तो ये हक है तुमको, ओ रुक जा, गम की बादल में चमकता, सलाम ए हसरत कबूल कर लो जैसे गाने मशहूर हुए। एक इंटरव्यू में सुधा ने अफसोस के साथ कहा था कि उनका जन्म 15-20 साल बाद होना था। उनका जन्म उस दौर में हुआ था जब बाली उम्र में शादी करने का रिवाज था। माता पिता के दबाव से 1960 में उन्होंने शादी कर घर बसा लिया। जब गायकी का करियर शीर्ष पर चल रहा था ऐसे में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से जवाबदारियां बढ़ गई। बच्चों की परवरिश पर ध्यान देने से पार्श गायन पीछे छूटता चला गया। पार्श गायन के क्षेत्र में नए लोग, नई आवाजें और नए समीकरण आने से वे दूर होती चली गई। सुधा को लता की आवाज बेहद पसंद थी। वे लता के कई गानों को दोबारा गाने की इच्छुक भी रही थी। लता के गीत एक म्यूजिक कंपनी के कारण अनुराधा पोडवाल को गाने को मिले और सुधा दूर होती गई। बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है मुझको गाने की धुन सुधा ने तैयार की थी। फिल्म दीदी के इस गीत के संगीतकार एन दत्ता थे। रिकॉर्डिंग के दिन वो अचानक बीमार हो गए। उन्होंने सुधा को ट्राई करने की अनुमति दी। बात बन गई और वो गायिका के साथ कंपोजर भी बन गई। सुधा मल्होत्रा का एक बेटा है। उसकी संगीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। सुधा का मानना है कि आजकल की जनरेशन म्यूजिक के बजाय डांस को ज्यादा पसंद करती है। सुधा ने फिल्मों में आखिरी बार राज कपूर की फिल्म प्रेम रोग में सिंगिंग किया था। उनके कुछ प्राइवेट एल्बम भी जारी हुए, पर आज के श्रोताओं के लिए सुधा मल्होत्रा एक भूला बिसरा नाम है।